जरूर सब बाहर आएगा। प्लीज प्लीज दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत सारे लोगों का चिट्ठा जो है सामने आ रहा है और उनमें रिया चक्रवर्ती है सबसे आगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती जा सकते जेल और ये जेल भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि रिया के खिलाफ बहुत सारे ऐसे एविडेंट मिला है जो कि रिया को दूसरे एंगल से कसूरवार ठहराता है। जी हाँ, ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में जब पूछताछ किया जा रहा था तब रिया से वो लोग बहुत कुछ उगलवाए थे और वहां से ही बहुत कुछ पता चला है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही जेल नहीं भेज सकता है और सुप्रीम कोर्ट में रिया के जो एक पिटीशन है वो अभी अंडर जजमेंट है और वो पिटीशन है, रिया चक्रवर्ती चाहते हैं कि पटना पुलिस यानी बिहार पुलिस से वो जो केस है वो केस लाया जाए मुंबई में। लेकिन मुंबई में क्यों लाया जाए, मुंबई में कभी नहीं लाया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई की याचिका है यानी सीबीआई एक केस हैंडओवर करने वाले है, ये अगर आ गया तो ये याचिका भी रद्द हो जाएगा और रद्द होने के बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर आ जाएगा प्रेशर क्योंकि वे ट्राई कर रहे थे केस को गुमराह करने के लिए। दोस्तों, यहाँ तक कि ये हो सकता है जेल, कैसे सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़ना होगा रेसलाइन में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती द्वारा जो पिटीशन दायर किया गया था वो पिटीशन में कहा गया था कि बिहार पुलिस से ये जो मामला है, ये जो केस है, वो मुंबई पुलिस में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन क्यों किया जाएगा, आप शायद सुन के हैरान होंगे कि रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में या फिर कोई ऐसे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के ये जो वारदात हुआ है इसके आसपास की कुछ भी किसी भी वाकये के अगेंस्ट में कोई भी केस मुंबई पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। असल में वहां पर कोई गया ही नहीं था ताकि मुंबई पुलिस में जाकर कोई एफआईआर करे, लेकिन पटना में ये एफआईआर किया गया था। और पटना में एफआईआर करने वाले कौन थे, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, और वे एफआईआर के समय ये मेंशन करते थे कि रिया चक्रवर्ती बहुत कुछ फ्रॉडनेट एक्टिविटी कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली के साथ, यहाँ तक कि उनके जो आसपास के फ्रेंड्स है उन लोगों के साथ भी। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो एफआईआर किया था वहाँ पर कोई प्रोडक्शन हाउस या फिर बिग कोई प्रोडक्शन हाउस का नाम डायरेक्टली नहीं लिखा था, वहाँ पर किसी को मेंशन नहीं किया गया था और मुंबई पुलिस ये बात जानते थे। तो मुंबई पुलिस बिहार पुलिस से पहले वे लोग चाहते थे कि ये जो मामला है इस मामले को रफू चक्कर किया जाए, इस मामले को रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। तो मुंबई पुलिस और कुछ ही दिनों में ये डिक्लेयर करने वाले थे ये जो सब सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वो सब नेचुरल था। जी हाँ, आप सोच सकते हैं सब नेचुरल सी बात है, तो हम लोग क्या करें, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई इंक्वायरी फॉर एसएसआर, मतलब हो क्या रहा है। तो सब लोग जान रहे हैं कि मुंबई पुलिस किसी के वश में आके, किसी के पैसे में आके, किसी की दबदबा में आकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन वे लोग इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं है। और रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक जो फ्रॉडनेट एक्टिविटी कर रहे थे और उसके बाद मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस या फिर ईडी को जो झूठी स्टेटमेंट दे रहे थे, इससे सुप्रीम कोर्ट बहुत 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 नाखुश है। तो रिपोर्ट की माने तो रिया चक्रवर्ती अगर फिर से अदालत को गुमराह करने की कोशिश करे तो रिया चक्रवर्ती की जेल एकदम निश्चित है। हालांकि रिमांड में भी रख सकते हैं रिया चक्रवर्ती को, लेकिन वो बात की बात है। रिया चक्रवर्ती की एक एलिगेशन मैं आपको बता रहा हूँ। रिया चक्रवर्ती ईडी के साथ जब बात कर रहे थे वे बताए थे कि अंकिता लोखंडे जो कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड थी, वे भी बहुत पैसा लेते थे सुशांत सिंह राजपूत से। कैसे, असल में एक फ्लैट खरीदा गया था जहाँ पर अब अंकिता लोखंडे रहते हैं और ये जो फ्लैट का जो बिल्स है, मतलब ये फ्लैट का जो ईएमआई है, वो ईएमआई सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कटता है, जो कि रिया चक्रवर्ती बार बार ईडी को बोले हैं और ईडी भी प्रेस को ये बात बताया है। लेकिन ये एकदम ही अनुचित है, एकदम ही ठीक नहीं है, क्योंकि अगले दिन ही अंकिता लोखंडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक वीडियो डाली और वहां पर उन्होंने दिखाया कि जो फ्लैट के कागजात है वो पूरे उनके नाम पर ही है, यहाँ तक कि जो बिल्स या फिर जो ईएमआई कट होता है वो उनके अकाउंट से ही कट होता है, ये सुशांत सिंह राजपूत या फिर कोई थर्ड पार्टी अकाउंट से नहीं किया जाता है। और बाद में जो फ्लैट देने वाले थे यानी बेचने वाले थे उनसे भी कांटेक्ट किया गया और वे भी ये बात बताया कि अंकिता लोखंडे ही इस फ्लैट के मालकिन है और डायरेक्ट जो पैसों का ट्रांजेक्शन है उनके साथ ही होता हुआ आ रहा है। तो रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने के लिए इसके ऊपर कभी उसके ऊपर गोबर फेंक रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट को एकदम अच्छा नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर की कहना है कि रिया वैसे ही पहले से 420 की केस में फंसी हुई है जो कि एफआईआर किया गया था सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी द्वारा। अगर ऐसे एक्टिविटी यहाँ पर वो करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यूज करके इसे ठुकरा देगा, जो कि एकदम ही ठीक नहीं है, एकदम ही अनुचित है। और जेल की बात यहाँ पर ही आता है क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसा ही कुछ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर गुमराह किया जाए
कोर्ट में बैठकर कोर्ट प्रीमिसेस में बैठकर, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली जेल में भेज सकते हैं किसी भी क्रिमिनल को। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती तब क्रिमिनल कहलाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस या सीबीआई, इस केस के लिए कौन बेस्ट है और रिया चक्रवर्ती क्या वाकई में गिल्टी है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके महत्वपूर्ण कमेंट का।